हेलो दोस्तों मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स और आज हम इस वीडियो में मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज़ में तो मैंने आपको वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ाया है इसमें मैंने आपको बताया कि तीन तरीके के एवरेजेस होते हैं मैथमेटिकल एवरेज पोजिशनल एवरेज और बिजनेस एवरेज मैथमेटिकल एवरेज में आप सभी जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन आता है ज्योमेट्रिक मीन आता है हारमोनिक मीन आता है और क्वाड्रेटिक मीन आता है पोजिशनल एवरेज में हमारे पास दो है मीडियन और मोड और यहीं से आज का हमारा टॉपिक आया है बिजनेस एवरेज में हमारे पास मूविंग एवरेज है प्रोग्रेसिव एवरेज है और कॉम्पोजिट एवरेज है तीन जगह से क्वेश्चन एग्जाम में पीजीटी कॉमर्स में पूछे जाते हैं पहला है मीन दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए हम मीन को कवर कर चुके हैं मीडियन को भी कवर कर चुके हैं और अब हम मोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि जो मोड है वो एक फ्रेंच वर्ड ला मोडे से आया है जिसका मतलब है फैशन या फिर मोस्ट पॉपुलर फिनोमेना फैशन आप सभी जानते हैं जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आज के टाइम पे किस तरीके से लोग कपड़ा पहनते हैं या क्या चीज़ें ट्रेंड में हैं उसी को हम फैशन कहते हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो मोड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है ला मोडे जिसका मतलब है फैशन मोड को हिंदी में हम बहुलक कहते हैं अब स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाइएस्ट अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट इज़ कॉल्ड मोड जिस भी वैल्यू की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसे ही हम मोड कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है वो जूते बेचता है और मान लेते हैं कि उसके शॉप में छः नंबर का जो जू जूता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है यानी उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर सिक्स जो है वो मोड हो जाएगा इसी तरीके से अगर कोई पर्सन है जो शर्ट बेचता है और थर्टी एट नंबर का जो शर्ट है वो सबसे ज़्यादा बिकता है तो यहाँ पे 38 क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी होगी मोड से रिलेटेड जैसे मोड हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा हमारा क्वालिटेटिव हो और क्वांटिटेटिव यानी दोनों सिचुएशन में हम मोड को यूज़ कर सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा का क्या मतलब है जिनको हम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके जो वर्ड या सेंटेंसेस के फॉर्म में होता है जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं तो हो सकता है आपको बर्गर पसंद हो या पिज्ज़ा पसंद हो तो जो ज़्यादा पसंद होगा वही आपका क्वालिटेटिव डेटा होगा और उसको भी हम मेजर कर सकते हैं मोड के थ्रू उसी तरीके से क्वांटिटेटिव डेटा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक शॉपकीपर है जो जूते बेचता है और वो छह नंबर का जो जूता है वो सबसे ज्यादा बेचता है मोड निकालते समय हम क्वांटिटेटिव डेटा दोनों तरीके के डेटा का यूज कर सकते नेक्स्ट है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सट्रीम वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं आउटलायर्स जो अलग ही दिखते extreme हो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो एक्सट्रीम का मतलब क्या है या तो वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होगी या बहुत ज़्यादा लोएस्ट होगी दोनों कंडीशन में हम इसको एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ मान लीजिए कोई डेटा सेट है सोलह सत्रह सत्रह और पाँच सौ साठ आ गया मान लो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पाँच सौ साठ जो है वो काफ़ी हाईएस्ट वैल्यू है एकदम अलग ही वैल्यू है कैसे अलग कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने डेटा सेट में हर दूसरे डेटा सेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आप ये देख रहे हो कि 17 और 560 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ध्यान रखना कि मोड जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा सत्रह क्योंकि सत्रह जो है वो दो बार आया हुआ है ठीक है ध्यान रखना इट इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज अब मोड को हम डिनोट करते हैं एम ओ से या फिर कैपिटल Z से Z और अभी मैंने आपको बताया कि मोड जो है वो पोजिशनल एवरेज होता है ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है कि मोड जो है वो आपका पोजिशनल एवरेज है तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब समझते हैं कि मोड को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए मोड को कैलकुलेट करने के अलग अलग सीरीज़ में अलग, अलग अलग तरीके हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरीके से हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की पहचान क्या होती है कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन दिया गया होता है या इसको हम आइटम भी कहते हैं यहाँ पे कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई होगी और कोई भी क्लास इंटरवल नहीं दिया गया होगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन या आइटम दिया गया होगा तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा जो सीरीज़ है वो इंडिविजुअल सीरीज़ है समझ में आया यहाँ तक अब इंडिविजुअल सीरीज़ में हम ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने का उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या इसे ही हम इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मोड की वैल्यू क्या होगी या मोड क्या होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें कह रहा है फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट आपके सामने ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है और आपको देखना है कि इसमें मोड क्या होगा तो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आई होगी यानी कि जो भी वैल्यू है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी जो जो नंबर है सबसे ज्यादा बार आया होगा उसे ही हम मोड कहेंगे तो देख लेते हैं जैसे नंबर फाइव है तो फाइव कितनी बार आया है एक दो दो बार आया है यहाँ पे एक्स मान लेते हैं और ये फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं ठीक है फ्रिक्वेंसी देखो यहाँ पे एक्चुअली दिया नहीं गया है बट हम देख रहे हैं कि कितनी बार आया है हाइएस्ट ऑकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड मोड तो जो बहुलक में है जो नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा आया है वही आपका मोड होगा तो यहां पर देख रहे हैं कि पांच दो बार आया है इसी तरीके से हम देख सकते हैं जैसे सात है एक दो तीन सात की फ्रिक्वेंसी तीन है तो यहां पे मुझे लग रहा है कि शायद सात ही है क्योंकि और कोई नंबर तो ज्यादा रिपीटेड नहीं है तो मोड क्या हो जाएगा सेवन यानी आपने देख के बता दिया कि यहाँ पे मोड क्या होगा ठीक एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पे देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि पांच एक बार आया है दो बार आया है और तीन बार आया पांच तीन बार आया सात का भी देख लेते हैं एक दो तीन यानि कि दो ऐसे नंबर हैं जो सेम टाइम पे आए हैं मतलब तो पांच भी तीन बार आया है और सात भी तीन बार आया है तो यहां पे मोड इज टू क्या हो जाएगा फाइव एंड सेवन एक चीज ध्यान रखना कि जब आपका किसी भी डेटा सेट में कोई एक मोड हो तो उसे हम यूनि मॉडल कहते हैं यूनी मॉडल यूनि का मतलब क्या होता है सिंगल जब एक मोड आए, तो उसे हम यूनि मॉडल कहते हैं और जब एक से अधिक आ रहा है तो यहां पे हम बोलेंगे इल डिफाइंड इल्ड डिफाइंड क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक डेटा सेट में एक से अधिक भी मोड हो सकते हैं तो अगर कभी आपके सामने एक से अधिक आपको मोड दिया गया तो उसे हम इलडिफाइंड कहते हैं अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे आपके सामने एक डेटा सेट दिया गया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीटेड हो सॉरी तो ऐसे कंडीशन में हम इम्फेरिकल मोड निकालते हैं जब कोई भी नंबर दो बार रिपीटेड ना हो सभी नंबर देखो एक एक बार है पाँच भी एक बार आया है नौ भी एक बार आया है आठ भी एक बार आया है एक भी एक बार आया है और बाकी नंबर्स भी एक ही बार आए हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम इन्फ्रिकल मोड निकालते हैं क्योंकि आप देखो ध्यान से कि अगर कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम इन्फेरिकल मोड निकालेंगे और इन्फ्रिकल मोड का फॉर्मूला क्या होता है थ्री एम माइनस टू एक्स ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी ने पढ़ा ही होगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले मीन निकाल लेंगे और मोड़ निकाल लेंगे और डिफरेंस कर देंगे दोनों का जो फॉर्मूला में दिया गया है उसी तरीके से तो एक बार हम मीन निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा जैसे नंबर दिया गया उसी तरीके से लिखना होगा फिर मोड निकालने के लिए हमें वापस से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया गया उसे असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही कर लेंगे ये आपका ऑब्जर्वेशन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पे एन एजल टू क्या हो जाएगा टेन अब हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है समीशन एक्स अपॉन एन यानी एक्स का टोटल हो जाएगा तो एक दो तीन 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 छः छः चार दस पाँच पंद्रह पंद्रह छः इक्कीस सात अट्ठाईस अट्ठाईस चार बत्तीस बत्तीस चार छत्तीस छत्तीस नौ पैंतालीस चार आया चार एक पाँच और एन क्या है टेन है तो मीन कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट फाइव यहाँ पर पॉइंट है ध्यान रखना मीन आपने कैलकुलेट कर लिया अब हम क्या करते हैं मीडियन निकाल लेते हैं तो सबसे पहले हम हाँ, मीडियन नंबर कैलकुलेट करते थे मीडियन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा एन प्लस वन अपॉन टोथ तो आइटम ये आपने पढ़ा है एन क्या है टेन है टेन प्लस वन अपॉन टोथ आइटम तो, तो ग्यारह बटे दो करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट फाइव तो ये फाइव पॉइंट फाइव आइटम है यानी कि पाँचवा और छठे के बीच में हमारा मीडियन है तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं मीडियन यहां पे होगा वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स आइटम अपॉन टू पाँचवा नंबर पे क्या है फाइव प्लस सिक्स अपॉन टू ग्यारह बटे दो करेंगे तो कितना होगा फाइव पॉइंट फाइव आपने मेन निकाल लिया 5.5 मीडियन आ गया आपका 5.5 अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं फार्मूला क्या है Z इक्वल टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार थ्री इंटू मीडियम क्या करेंगे 5.5 पॉइंट फाइव माइनस टू इंटू फाइव पॉइंट फाइव पानते हैं पंद्रह पानते पंद्रह एक सोलह सिक्सटीन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पंद्रह दस ग्यारह कितना आ जाएगा फाइव पॉइंट फाइव ये आपका मोड आ जाएगा समझ में है तो देखिए जब आप ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे हम इम्फेरिकल मोड टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मान लो कि एग्जाम में कभी पूछ देता है कि इम्फेरिकल मोड का इस्तेमाल नहीं करना है फिर भी आपको बताना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नो no मोड अगर आपको स्पेसिफिकली कहा जाता है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड से ही कैलकुलेट करो तो यहाँ पे कोई भी मोड नहीं होगा अदरवाइज़ आप दूसरे तरीके भी हैं कैलकुलेट करने के जो मैंने अभी आपको करके बताया और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है आपके पी कॉमर्स एग्ज़ाम में तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लो और प्रैक्टिस करो जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है वहाँ से आप प्रैक्टिस करो अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की पहचान क्या होती है कि आपको एक फ्रिक्वेंसी दिया होता है और आपके पास आइटम या ऑब्ज़र्वेशन दिया है होता है दो चीज़ें दी होती हैं और फ्रिक्वेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रिक्वेंसी दी होगी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ है अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं पहला तो ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि कौन से आइटम की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आप देख लो जैसे मान लो कि आपके सामने ये ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रिक्वेंसी है दो कॉलम मान लो दस बारह तेरह चौदह पंद्रह फ्रिक्वेंसी सात सोलह तीन दो एक ऐसा कुछ भी मान लो तो हम देख रहे हैं कि सोलह जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा बारह उसके सामने की जो वैल्यू होगी वो आपका मोड हो जाएगा तो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड यानी कि हम ग्रुप बना लेंगे ध्यान रखना दो दो का दो ग्रुप बनाना है और तीन तीन का तीन ग्रुप बनाना है और अंतिम में आपको एक टेली मार्क बनाना है आपको कुछ कॉलम्स बनाने होंगे तो ध्यान रखना कि टोटल कॉलम कितना होता है सिक्स छह आपके कॉलम होंगे और आपको दो दो का दो ग्रुप बनाना है और तीन तीन का तीन ग्रुप बनाना है अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा किस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो और मोड कैलकुलेट कर सकते हो तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम मोड कैलकुलेट करते समय तो देखिए जब भी सीरीज में जो भी वैल्यूज हैं उनमें रेगुलरिटीज हैं और होमोजिनिटी है कहने का मतलब है कि जब नंबर्स हैं ये देखिए आपके सामने आइटम या ऑब्जर्वेशन दिया गया है इसके बीच की जो दूरी है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है यानी वेरिएंसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है एक्सट्रीम वैल्यूज इसमें नहीं दिए गए हैं तभी आप ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे अगर हम देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है वेरियंसिस बहुत ज्यादा है तो वहां पर हम ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पर हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो जब हमारे सीरीज में रेगुलरिटी है है तो हम इंस्पेक्शन मेथड जिसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं यानी हम देख के मोड कैलकुलेट करेंगे और मैंने अभी आपको बताया कि जिस भी सीरीज में हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके सामने की जो भी वैल्यू होगी उसे ही हम मोड कंसिडर करेंगे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है अठारह है तो मोड क्या हो जाएगा आपका टू समझ में आए अब एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं देखिए कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है मे भी आपसे कभी पूछ लें कि कौन कौन से ऐसी परिस्थितियां हैं सरकमस्टांसेस हैं जहां पे आप ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो तो तीन चीज़ें हैं वो ध्यान रखना पहला ये दिया गया है कि जब फ्रिक्वेंसी रिपीटेड हो फ्रिक्वेंसी रिपीटेड हो और ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए मैक्सिमम मतलब हाइएस्ट जो भी हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो रिपीटेड हो समझ में आ रहा है अगर मान लीजिए ये एक्स है और ये फ्रिक्वेंसी कोई भी सेट मान लेते हैं पाँच आठ दस इसकी फ्रिक्वेंसी तीन है पाँच है पाँच है दो एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाँच जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है और ये रिपीटेड है तो ऐसे कंडीशन में हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे दिया गया दूसरा कंडीशन क्या होता है दूसरा ये बताया गया है कि जब हाइस्ट फ्रिक्वेंसी शुरुआत में या अंत में आ जाए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है? हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी अगर जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो सबसे पहले शुरुआत में आ जाए या तो अंत में आ जाए तो भी वहाँ पे हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ऑब्जर्वेशन है ये फ्रीकवेंसी मान लेते हैं दो पाँच सात तीन या छः कुछ भी आप मान सकते हैं ट्वेंटी सिक्स है ट्वेल्व है टेन है फाइव है टू तो आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो स्टार्टिंग में आ गया ठीक है शुरुआत में आ जाए या अंत में आ जाए दोनों ध्यान रखना तो ऐसे कंडीशन में हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और तीसरा कंडीशन ये है कि जब दो फ्रिक्वेंसीज़ के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो यानी इरेगुलरिटीज़ होती है। और हेफजार्ड वे में आपकी जो फ्रिक्वेंसीज़ के बीच के डिफ्रेंसेस हैं वो बताए गए इसका मतलब क्या है एक्सट्रीम वेरियंसिस हो और ये वेरियंसिस किस में होगा फ्रिक्वेंसीज में होना चाहिए ठीक है तो ऐसे कंडीशन में हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे हम मैंने आपको बताया था कि छ कॉलम होगा और दो दो का दो ग्रुप बनाएंगे और तीन तीन का तीन ग्रुप बनाएंगे और आखिरी में टैली मार्क करेंगे तो पहले कॉलम में हम ओरिजिनल फ्रिक्वेंसीज लिखते हैं और सेकेंड और थर्ड कॉलम में हम दो दो का ग्रुप करेंगे और फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में हम तीन तीन का ग्रुप करेंगे और सिक्स कॉलम में भी हम तीन का ग्रुप करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तीन तीन का तीन ग्रुप बनेगा और दो दो का दो ग्रुप बनेगा और कैसे बनेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी और टैली मार्क बनाएंगे हम अब एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं देखिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपके सामने कुछ डेटा दे रखा है वेजेस दे रखा है ये रुपीज़ में है और नंबर ऑफ़ पर्सन है यानी पच्चीस रुपये कमाने वाले तीन लोग हैं डेढ़ सौ रुपये कमाने वालों की संख्या आठ है एक सौ पचहत्तर कमाने वालों की संख्या जो है वो इक्कीस है और दो सौ रुपये कमाने वाले की संख्या छः है इसी तरीके से बाकी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है इक्कीस की है। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा वन जो मैंने आपको बताया था लेकिन क्वेश्चन में हमको ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करना है तो ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैं आपको देता हूँ सबसे पहले आपको कॉलम बनाना आना चाहिए इस तरीके से आप कॉलम बना लेंगे यहाँ पे वेजेस आप लिख लेंगे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो होगा वो कॉलम वन में होता है फ्रिक्वेंसी हम लिखते नहीं ये कॉलम वन हो गया ये कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर कॉलम फाइव कॉलम सिक्स और ये आपका टैली मार्क बन गया जो भी दिया गया है आपको इंफॉर्मेशन वो आप पहले लिख लो जैसे वन ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी वन सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और दो सौ पचास फ्रिक्वेंसी कॉलम वन में होगा तीन आठ इक्कीस छः चार दो यहाँ पे इसको सामने सामने आपको लिखना है इस चीज़ का आप ध्यान रखना मेरे पास यहाँ पे स्केल हम यूज़ नहीं कर सकते टाइप में इस तरीके से लेकिन आप जब कॉपी में बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपसे सही बनेगा तो मैंने आपको ग्रुपिंग मेथड बताया है कि दो दो का दो ग्रुप बनाना है और तीन तीन का तीन ग्रुप बनाना है तो बनाते हैं देखिए जब दो दो का ग्रुप बनाएंगे तो पहला जो कॉलम होगा कॉलम टू उसमें स्टार्टिंग से दो लेंगे तो आठ तीन कितना हो जाएगा ग्यारह फिर इक्कीस छः कितना हो जाएगा सत्ताईस और चार दो छ कोई दिक्कत फिर हम क्या करेंगे पहले वाला जो आपका फ्रिक्वेंसी है ये इसको छोड़ देंगे दो दो का ग्रुपिंग करते समय ठीक है फिर हम क्या करेंगे सेकेंड और थर्ड दो दो का बनाएंगे तो इक्कीस आठ कितना हो जाएगा उनतीस और फिर छः चार कितना हो जाएगा दस समझ में है तो ये दो दो का दो ग्रुप बन गया अब हमें तीन तीन का तीन ग्रुप बनाना है तीन तीन का जब ग्रुप बनाएंगे तो पहले कॉलम से स्टार्टिंग से लेंगे यानी कि स्टार्टिंग से लेकर तीन कॉलम तक यानी तीन आठ और इक्कीस ये लेंगे तो फिर आठ एक नौ नौ तीन बारह हो जाएगा दो 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 चार गड़बड़ हो गया आठ एक नौ नौ तीन बारह हो गया यहाँ पे एक हाथ से लगा ना कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा फिर अगला तीन करेंगे छः, चार और ये तो छः चार दस दो बारह यहाँ पे थर्टी टू है ध्यान रखिएगा समझ में आए फिर जब नेक्स्ट बनाएंगे तो पहला जो कॉलम है इसको छोड़ देंगे यानी कि जो तीन है इसको छोड़ देंगे फिर आठ इक्कीस और छः लेंगे तो छः एक सात सात से चौदह एक पंद्रह दो एक तीन पैंतीस हो जाएगा फिर तीन का बचेगा नहीं तो बना नहीं पाएंगे छोड़ देंगे फिर जब नेक्स्ट आखिरी जब कॉलम बनाएंगे तो इसमें दो छोड़ देंगे यानी तीन और आठ इसको एलिमिनेट कर देंगे फिर हम क्या करेंगे सामने बना दो इक्कीस छः और चार तो छः चार दस एक ग्यारह दो एक तीन समझ में आए यहाँ तक किस तरीके से आप ग्रुपिंग कर रहे हैं फिर हम क्या करेंगे कि जो भी कॉलम है कॉलम टू से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को नोट करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है सेकेंड में और थर्ड वाले में क्या है ट्वेंटी नाइन है और चौथे वाले में क्या है थर्टी टू है और पाँचवें वाले में थर्टी फाइव है क्योंकि और कोई है नहीं और छठे वाले में थर्टी वन है अब हम टैली मार्क करेंगे टैली मार्क कैसे करते हैं अगर मान लीजिए बता रहा हूँ मैं कॉलम टू में यहाँ पे देखो कि इक्कीस और छः यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहला फ्रिक्वेंसी दूसरा फ्रिक्वेंसी तीसरा चौथा पाँचवा एक दो तीन चार पाँच तीन तीन छ होगा एक दो एक दो तीन चार पाँच छ छः होगा तो पहले में आप देखो हाइएस्ट कौन सा क्या है हाइस्ट क्या है ट्वेंटी सेवन है तो ट्वेंटी सेवन कौन कौन से फ्रिक्वेंसी में आया है थर्ड वाले नंबर देता हूँ मैं फ्रिक्वेंसी का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स याद रखने के लिए ट्वेंटी सेवन हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है तो थर्ड और फोर्थ में आया है तो थर्ड और फोर्थ में आप इस तरीके से टैली बना लेंगे उसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे ट्वेंटी नाइन है तो ये सेकेंड और थर्ड फ्रिक्वेंसी में आया हुआ है तो सेकेंड और थर्ड में आप टैली बना लोगे उसी तरीके से चौथे वाले कॉलम में देखें थर्टी टू तो स्टार्टिंग से लेकर तीन में है तो स्टार्टिंग से लेकर तीन में आप टैली बना लोगे फिर देख लेते हैं पाँचवें वाले कॉलम में तो एक छोड़ दिया हमने तो यानी तीन को छोड़ के तीन का करना है तो दो तीन चार दो तीन चार और आखिरी में देखें तो हमने दो छोड़ दिया है तो तीन से स्टार्ट करेंगे अब देखिए चार हो गया तो चार के आगे गया हम इसको क्रॉस कर देते हैं तो पाँच हो जाएगा ठीक है तो इसमें और इसमें फिर हम नंबर में लिख लेते हैं जैसे ये वन है ये थ्री है ये फाइव है और ये थ्री है और ये वन ये आपका टैली मार्क हो गया तो जिस भी कॉलम का टैली मार्क सबसे ज़्यादा है ये देखिए कॉलम वन टू थ्री यही सबसे ज़्यादा है तो थर्ड यहाँ पे ये आया इसके सामने जो की जो वैल्यू होगी वही मोड होगा तो मोड इज टू वन सेवेंटी फाइव समझ में आया एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपके सामने देखिए क्वेश्चन दे रखा है और आपको ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट करना है तो ग्रुपिंग मेथड के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कॉलम बनाएंगे अच्छे तरीके से आप कॉलम बना लेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इस तरीके से लिख लेंगे ये आपका कॉलम वन ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये आपका मार्क यहाँ पे ऊपर ग्रुपिंग लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो जो भी आइटम जो ऑब्ज़रवेशन दिया है वो लिख लेते हैं थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवेन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन अब फ्रिक्वेंसी जो है वो फर्स्ट कॉलम में होगा सामने सामने फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं चार ग्यारह सत्ताईस पच्चीस बत्तीस इकतीस तेरह ग्यारह तैंतीस, तेरह ठीक है ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे दो दो का दो ग्रुप बनाएंगे तीन तीन का तीन ग्रुप बनाएंगे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं पहले स्टार्टिंग में दो दो का ग्रुप बनाएंगे बिना एक भी फ्रिक्वेंसी को छोड़े तो ग्यारह चार पंद्रह फिर सत्ताईस और पच्चीस पचास दो बावन फिर बत्तीस और इकतीस करेंगे तो तिरसठ हो जाएगा फिर तेरह और ग्यारह चार दो चौबीस फिर तैंतीस और तेरह करेंगे तो तीन तीन छः तीन एक चार फिर हम क्या करेंगे पहले फ्रिक्वेंसी को स्किप कर देंगे पहले वाले को छोड़ देंगे फिर दो दो को करेंगे तो ग्यारह और सत्ताईस का करेंगे तो कितना हो जाएगा अड़तीस फिर पच्चीस और बत्तीस का करेंगे तो पाँच दो सात तीन दो पाँच सत्तावन फिर इकतीस और तेरह करेंगे तो तीन एक चार चार चौवालीस फिर हम ग्यारह और तैंतीस करेंगे तो तीन एक चार तीन एक चार आखिरी वाला छूट जाएगा क्योंकि पेयर नहीं बन पा रहा है तो हमने दो दो का दो ग्रुप बना लिया अब तीन तीन का तीन ग्रुप बनाना है तो फिर स्टार्टिंग से करेंगे कुछ भी स्किप नहीं करेंगे तो चार ग्यारह और सत्ताईस तो सात चार ग्यारह एक, एक बारह तीन एक चार बयालीस सत्ताईस के बाद कितना है पच्चीस बत्तीस और इकतीस तो पाँच दो सात एक आठ तीन तीन छः दो आठ अट्ठासी फिर तीन करेंगे तेरह ग्यारह तैंतीस फिर तीन तीन छः एक सात फिर तीन दो पाँच बनेगा नहीं फिर हम क्या करेंगे एक छोड़ देंगे एक फ्रिक्वेंसी जो है वो स्किप कर देंगे फिर हम क्या करेंगे ग्यारह सत्ताईस और पच्चीस कर करेंगे तो सात पाँच बारह एक तेरह दो दो चार एक पाँच एक छः फिर तीन का करेंगे बत्तीस इकतीस और तेरह तो तीन दो पाँच एक छः तीन तीन छः एक सात फिर करेंगे ग्यारह तैंतीस और तेरह का तो तीन तीन छः एक सात फिर तीन दो पाँच सतावन फिर क्या करेंगे स्टार्टिंग के दो को छोड़ देंगे यानी तीसरी फ्रिक्वेंसी से लेंगे तो कितना हो जाएगा सत्ताईस पच्चीस और बत्तीस तो सात पाँच बारह दो तो चौदह फिर दो, दो चार तीन सात एक आठ समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको फिर अगला तीन कर लेंगे तो जोड़ के देख लीजिए आएगा आपका पचपन समझ में अब हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखेंगे हर कॉलम में तो सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है तिरसठ थर्ड वाले में क्या है सत्तावन फोर्थ वाले में क्या है अट्ठासी पाँचवें वाले में क्या है छिहत्तर और छठे वाले में चौरासी अब हम देख लेते हैं कितना कॉलम है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस आखिरी वाला है तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे भी हम लिख दें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं तो आप भूल जाओगे एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस फिर हम देख रहे हैं तिरसठ वाला हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है तो पाँचवें और छठे में करना है यहाँ पे भी लिख देते हैं आसानी के लिए चूँकि मैंने कॉलम बनाया नहीं है इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है ताकि क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो तो हम देख रहे हैं कि पाँचवें और छठे में पहले में हमें टेली मार्क करना है तो पांचवा और छठा इसमें कर दिया हमने फिर हम सत्तावन वाले देखते हैं सत्तावन वाले में हमारे पास क्या है चौथे और पांचवे में करना है चौथे और पांचवे में फिर अट्ठासी वाले में क्या करेंगे हम चौथे पांचवे और छठे में करना है चौथे पांचवे और छठे में इसी तरीके से छहत्तर वाला देख लेते हैं ये एक स्क्रिप करके तीन बत्तीस पाँचवें छठे और सातवें में करना है तो पाँचवें छठे और सातवें में करना है फिर आखिरी देख लेते हैं अट्ठासी आपको तीसरे चौथे और पाँचवें में करना है तीसरे चौथे और पाँचवें ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो अभी आपने सारा कैलकुलेशन देखा किस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं और किस तरीके से हम टैली मार्क लगाते हैं आपने ये देखा कि सबसे मैक्सिमम जो मार्क है वो फाइव है तो आपको मैच करना था कि कौन से फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत है ये तो वो था थर्टी टू जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो थर्टी टू के सामने की वैल्यू क्या है थर्टी सिक्स तो यहाँ पे मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स ही आपका आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैलकुलेट कर सकते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके कर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बताऊँगा किस तरीके से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो बाय ग्रुपिंग मेथड और इंटेंसिटी मेथड और फॉर्मूला के बेसिस पे भी आप किस तरीके से मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इस लेक्चर का पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे पी मिल जाएंगे तो ये था मोड से रिलेटेड एक छोटा सा लेक्चर अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तब तक के लिए थैंक यू